हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल मशीन या लिफ्टिंग मशीन के ऊपर है, जो कि है बिहार पॉलिटेक्निक का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिलेबस का लास्ट यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग मशीन को डिफाइन करते हैं। तो मशीन जैसे हम किसी को कहेंगे, ए टूल डैट हेल्प अस डू वर्क, मतलब कोई भी टूल जो अगर हमको काम करने में हेल्प करता है तो उसे हम मशीन कहेंगे। तो जैसे मशीन अब किस तरह से ये हेल्प करता है, तो पहला चेंज द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स लग रहा है उसके अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और दूसरा है कि जो फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये एक्चुअली हो सकता है यहाँ पे समझने, लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्लियर होते जाएगा। तो आगे बढ़ते अब हम, व्हाट इज ए सिंपल मशीन। अब हम सिंपल मशीन किसको कहेंगे, जैसे पहला पॉइंट है ए सिंपल मशीन हैज फ्यू और नो मूविंग पार्ट, मतलब जो सिंपल मशीन उसके पास कुछ मूविंग पार्ट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। दूसरा सिंपल मशीन मेक वर्क इजियर। तीसरा सिंपल मशीन इज ए डिवाइस इन विच इफोर्ट इज अप्लाइड एट वन प्लेस एंड वर्क इज डन एट सम अदर प्लेस, मतलब सिंपल मशीन कहता यह है ऐसा डिवाइस, मतलब कि एक प्ले कोई भी एफर्ट हम अगर एक प्लेस पे लगा रहे हैं तो वो दूसरे प्लेस पर वर्क को करेगा। अगला पॉइंट है इसमें, जैसे सिंपल मशीन आर रन मैनुअली नॉट बाय इलेक्ट्रिक पावर, मतलब कि वैसा मशीन जो मैनुअली हम रन कराए इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना करे तो वो सब सिंपल मशीन। जैसे इस फिगर में हम कुछ एग्जाम्पल भी दिखा रहे हैं, जैसे पहला लीवर है यहाँ, दूसरा जैसे ये हैमर है, हैमर में एक जैसे इससे कील निकालने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ एक इसका हैंडल लगा हुआ है, तो इस हैंडल को ही हम लोग लीवर कहते हैं। अगर ये हैंडल हटा दे और इस सिर्फ हैमर का जो ये है हेड दे दे और इससे हम कहें आप ये कील निकाल लें तो क्या निकल पाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, नहीं शायद ना भी निकले। और ये जैसे ये हैंडल इसमें लगा देते हैं तो इसी को हम लीवर बोलते हैं, इस पर एफर्ट बहुत आसानी से यानी कि ये कील निकल जाता है। तो इस तरह से लीवर भी एक सिंपल मशीन है। दूसरा यानी कि जैसे है इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइंड प्लेन ये भी सिंपल मशीन का एग्जांपल है। जैसे कि इसका इंक्लाइंड प्लेन, जैसे कि हमारे घर वगैरह में भी सीढ़ी वगैरह चढ़ता है, जैसे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि सीढ़ी का सहायता लेते हैं। तो सीढ़ी देखते हुए आप कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे ही बना होता है, अगर जैसे बोला जाए कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तो जंप करके तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो इंक्लाइंड प्लेन भी, तो इंक्लाइंड प्लेन हमें मदद करता है। तो इंक्लाइंड प्लेन भी एक सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है, इसका और आगे भी हम थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा जैसे ये दिखा रहा है पुली, जैसे फ्लैग वगैरह का, एक्स व्हील एंड एक्सेल, वेज, स्क्रू, ये सब सिंपल मशीन है। आगे बढ़ते हैं अब हम दोस्तों, जैसे लीवर, तो लीवर जैसे यहाँ देख रहे हैं कि कुछ बड़ा सा हेवी वेट है, इसको उठाने अगर हाथ से हम उठाने जाए मैनुअली तो उठा सकेंगे नहीं, और यही एक एक लीवर लिए हैं और उसको एक यहाँ पे छोटा सा यानी कि टुकड़ा लगाए हुए हैं जिसको हम लोग फलक्रम बोलेंगे। तो इस तरह से आसानी से बड़े से पत्थर का जो टुकड़ा इसको हम आसानी से उठा सकते हैं। तो द लीवर इज सिंपल मशीन मेड विथ ए बार फ्री टू मूव अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फलक्रम, तो जिस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये मूव करेगा इसी को हम लोग फलक्रम बोलेंगे, जैसे कि ये हम दिखाए हुए हैं यहाँ पे फलक्रम। और दूसरा इट इनेबल्स ए स्मॉल एफर्ट टू ओवरकम ए लार्ज लोड, मतलब कि स्मॉल एफर्ट के लगाकर एक लार्ज लोड को हम लोग ओवरकम कराते हैं, तो इसी को जैसे तो हम लोग ये लीवर बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे इसका वेलोसिटी रेशियो दिखाया गया है, तो डिस्टेंस एफर्ट डिस्टेंस और बाय लोड डिस्टेंस दिया हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ है कि लोड अपॉन एफर्ट, तो ये सब जैसे हम आगे भी देखेंगे, फिलहाल इतना इस फिगर में था तो हमने बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे हाँ इंक्लाइंड प्लेन का बात करें, तो जैसे अब कोई एक वेट लेकर पहला फिगर में यह दिखा रहा है, एक आदमी चल रहा है ऊपर में रखना है, तो अब है क्या अगर ये इंक्लाइंड प्लेन ना बनाए हम और सीधा ऊपर रखें तो क्या, यानी कि अब ये आदमी हाथ से ये ब्लॉक पकड़ के ऊपर रखेगा या डायरेक्ट जंप करेगा,
तो कितना मुश्किल काम है। यही जब हम इंक्लाइंड प्लेन ये बना देते हैं तो इस पे कितना आसानी से वो लेकर और चढ़कर ऊपर अपना काम कर रहा है। जैसे यहाँ भी ये जो नीचे सेकेंड फिगर है इसमें देखिए इंक्लाइंड प्लेन से कितना आसानी से ये ट्रॉली में लेकर ये आराम से इसे चढ़ कर अपना काम आसान हो। जैसे लोडिंग ट्रांसपोर्ट वगैरह अनलोडिंग में भी ये इंक्लाइंड प्लेन का बहुत सारा हेल्प मिलता है। जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी हम लोग देखते हैं या कॉलेज में भी देखते हैं एक रैंप बना होता है तो जिसपे हम बहुत आसानी से यानी कि अपना लगेज वगैरह लेकर यानी कि कैरी कर चलते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन भी एक सिंपल मशीन का अच्छा एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जैसे पुली का बात कर रहे थे तो सिंपल पुली जैसे देखिए तो पुली इज ए सिंपल मशीन मेड विथ ए रोप बेल्ट और चेन रैप्ड अराउंड ए ग्रुप। तो पुली जो होगा उसमें एक ग्रुप बना हो उस पर एक रोप बेल्ट या चेन उसके ग्रुप में रैप्ड लपेटा हुआ रहता है जैसा कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद ए पुली वर्क्स टू वेज इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स और इट कैन चेंज द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो देखिए जैसे दो पेज तो पहला दिखाया जैसे ए फिक्स्ड पुली चेंज द डायरेक्शन द अप्लाइड फोर्स एग्जाम्पल राइजिंग द फ्लैग। जैसे इसमें जैसे कोई फ्लैग को अगर हम ऊपर भेजना रहता है जैसे फ्लैग तो उसमें देखते हैं पुली रहता है उससे एक रोप के यानी कि रहता है उसके डायरेक्शन को चेंज। जैसे कि ये फिगर भी हम देख सकते हैं ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो फोर्स के डायरेक्शन को ये चेंज कर रहा है क्योंकि एफर्ट हम लगा रहे हैं नीचे की तरफ और वो जो ये बकेट है ये ऊपर चढ़ता है। जैसे फ्लैग के केस में भी यही होता है फ्लैग बहुत आसानी से ऊपर पोल पे वो टंग जाता है। जैसे इस फिगर में भी दिखा सकते हैं इतना हैवी लोड है और ये है कि अगर इसको कैसे ऊपर पहुंचाया जाए तो इस पुली के सहारे एक रोप को लिए रोप पे ये आदमी जो है एफर्ट लगा रहा है स्मॉल एफर्ट लगा कर ये बहुत आसानी से वेट को लिफ्ट करा दे रहा है। तो और दूसरा जो कंडीशन है तो ए मूवेबल पुली इज अटैच टू द ऑब्जेक्ट आर मूविंग। तो अब जैसे मूवेबल पुली जो होगा तो यहाँ पे जैसे वेट को यानी कि ऊपर से किसी वेट को यानी लोड को नीचे यानी कि लाना है तो इस केस में भी बहुत आसानी से धीरे धीरे ये वेट आ सकता है पुली के सहायता से। तो इस तरह से हम पुली के बारे में भी देखें दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज ए लिफ्टिंग मशीन। तो जो पुली था वो लिफ्टिंग मशीन का एक एग्जाम्पल है वेट को ही लिफ्ट कर रहा था। तो लिफ्टिंग मशीन इज ए डिवाइस इन विच हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड बाई लेस एफर्ट। तो लेस एफर्ट लगाकर हैवी लोड को लिफ्ट कराए तो उसको हम लोग लिफ्टिंग मशीन बोलते हैं। एग्जाम्पल सिंपल पुली सिंपल स्क्रू जैक लिफ्ट क्रेन ये सब लिफ्टिंग डिवाइस है। जैसे कुआं से भी पानी निकालने में भी पुली का हेल्प लेते हैं। देखते होंगे कि बकेट कुआं के अंदर आता है उसको एक रोप से बांध कर एक पुली के सहायता से रखे एक छोर पे पकड़े रहते हैं और खींचते तो बहुत आसानी से वो कुआं से पानी निकल आता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन किसको बोलेंगे। तो ए सिंपल मशीन कैन बी पुट टुगेदर इन डिफरेंट वेज टू मेक कॉम्प्लेक्स मशीनरी। मतलब बहुत सारा सिंपल मशीन को मिलाकर एक कंपाउंड मशीन बनाते हैं। मतलब उसके पास बहुत सारा लिंकेज वगैरह रहेंगे। जैसे इसमें इफ ए मशीन कंसिस्ट ऑफ मेनी सिंपल मशीन इट इज कॉल्ड कंपाउंड मशीन। तो पहले भी मैंने बोला बहुत सारा सिंपल मशीन को मिलाकर एक कंपाउंड मशीन बनाते हैं। सच मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल पावर। और ये कंपाउंड मशीन जो होगा इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल पावर से चलेगा। और सच मशीन वर्क हायर स्पीड और ये मशीन जो होता है हायर स्पीड पे भी चलेगा। यूजिंग कंपाउंड मशीन मोर वर्क इज डन एट लेस एफर्ट। जैसे एग्जाम्पल में स्कूटर लेथ क्रेन ग्राइंडिंग मशीन ये सब एक्सेट्रा आईसी इंजन ये सब कंपाउंड मशीन का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अब कुछ अब हम लोग जैसे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं इस पे तो हम लोग इसका कुछ देखते हैं कुछ फॉर्मूला वगैरह टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल मशीन। तो जैसे पहला है मैकेनिकल एडवांटेज तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट रिक्वायर्ड। तो जैसे लोड जिसको हम लोग डब्ल्यू तो W अपॉन P। तब लोड किसको कहें तो जैसे कोई भी सिंपल मशीन के द्वारा अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है जिस ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम लोग लोड बोलते हैं और जितना स्मॉल अमाउंट का फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग एफर्ट करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर वेलोसिटी रेशियो। तो द रेशियो इज
द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाई फोर्ट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो, दैट इज वी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाई फोर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड, दैट जो डिस्टेंस मूव्ड बाई एफोर्ट के कारण जो लोड सॉरी एफोर्ट के कारण जो डिस्टेंस मूव करेगा उसको हम लोग वाई बोलेंगे, और लोड के कारण जो डिस्टेंस मूव करेगा उसको हम लोग एक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे वाई हमेशा एक्स से बड़ा होगा, दैट इज ये रेशियो ग्रेटर देन वन होगा। और ऊपर में भी जो लोड जो होगा वो हैवी होगा, एफोर्ट जो होगा मेरा कम होगा, तो उसमें भी डब्ल्यू ग्रेटर देन पी होगा यहाँ। तो ये भी रेशियो जो मैकेनिकल एडवांटेज का और वेलोसिटी रेशियो दोनों ग्रेटर देन वन होता है। तो अगर न्यूमेरिकल बनाते समय जैसे हम देखें न्यूमेरिकल बनाए तो ये, तो अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो जो फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग डब्ल्यू एज्यूम कर लेंगे, और एफर्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू सॉरी फोर्स का जो स्मॉल वैल्यू होगा उसको हम लोग पी एज्यूम करेंगे, और उसी तरह डिस्टेंस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग वाई एज्यूम करेंगे, और डिस्टेंस का जो स्मॉल वैल्यू होगा उसको हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे। और उसके बाद क्या सिंपल से ये फार्मूला लगा देना है, डब्ल्यू बाई पी वेलोसिटी रेशियो वाई बाई एक्स। तो इस तरह से दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनपुट ऑफ ए मशीन। तो इनपुट ऑफ ए मशीन किसको कहेंगे, तो इट इज़ द वर्क डन ऑन द मशीन, मतलब मशीन पर जो वर्क करते हैं हम लोग उसको इनपुट कहेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि मशीन को चलाने के लिए जो इन कुछ भी पावर देते हैं वर्क देते हैं उसको हम लोग इनपुट बोलेंगे। तो इन ए लिफ्टिंग मशीन इट इज मेजर्ड बाई द प्रोडक्ट ऑफ इफोर्ट एंड द डिस्टेंस थ्रू विच इट हैज मूव्ड, मतलब एफर्ट और जो एफर्ट के कारण जो डिस्टेंस मूव करेगा उसके मल्टी प्रोडक्ट को हम लोग इनपुट बोलेंगे मैथमेटिकली। आउटपुट ऑफ मशीन, तो अब इट इज़ द एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन, अब मशीन के द्वारा जो एक्चुअल वर्क किया जाएगा वो मेरा आउटपुट कहलाएगा। तो इसको भी हम कैसे मेजर करेंगे देखते हैं। इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द वेट लिफ्टेड एंड द डिस्टेंस एक्स थ्रू विच इट हैज बिन लिफ्टेड, मतलब जो आउटपुट जो होगा वो निकल के डब्ल्यू इंटू एक्स होगा। तो अब हम इफिशियंसी देखते हैं, अब कोई भी मशीन है तो उसका इफिशियंसी तो होगा ही। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ ए मशीन एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। तो मैथमेटिकली अब इफिशियंसी देखें तो आउटपुट बाई इनपुट, और परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों अब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, तो इस सब में तीनों में क्या रिलेशन है अभी देखते हैं हम लोग। तो लेट डब्ल्यू जो है पहले भी हम बोल चुके हैं ये लोड है लिफ्टेड बाय द मशीन, पी जो होगा एफोर्ट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, वाई डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफोर्ट इन लिफ्टिंग द लोड एंड एक्स डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो बी नो डैट पिछले स्लाइड में हमने देखा था सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू डब्ल्यू आई पी एंड वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू वाई बाई एक्स। बी ऑल्सो नो डैट इनपुट ऑफ ए मशीन, तो अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा एफोर्ट अप्लाइड इंटू डिस्टेंस थ्रू विच द एफोर्ट हैज मूव्ड, दैट इज पी इंटू वाई आउटपुट ऑफ ए मशीन लोड लिफ्टेड इंटू डिस्टेंस थ्रू विच द लोड हैज बीन लिफ्टेड, दैट इज डब्ल्यू इंटू एक्स। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देयर फोर इस तरह से अब मेरा जो इफिशियंसी का फॉर्मूला मिलेगा, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इज इक्वल टू आउटपुट के लिए डब्ल्यू इंटू एक्स लिखेंगे और इनपुट के लिए पी इंटू वाई लिखेंगे। अब इसको हम थोड़ा इस तरह से कन्वर्ट करते हैं क्या कि डब्ल्यू बाई पी ले लिए और नीचे एक्स को इसके नीचे ला दिए तो वाई बाई एक्स हो गया। तो डब्ल्यू बाई पी को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं और वाई बाई एक्स को वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। तो इस तरह से इफिशियंसी का जो फॉर्मूला अब निकल का है तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और ये रेशियो जो होगा लेस देन वन होगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वेलोसिटी रेशियो से छोटा होगा। और एक नोट है यहाँ पे कि इट मे बी सीन फ्रॉम द एवव रिलेशन डैट द वैल्यूज ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो आर इक्वल, ये तब इक्वल होगा ओनली इन केस ऑफ मशीन हुज इफिशेंसी इज 100%, मतलब डैट इज ये रेशियो जो होगा वन के बराबर होगा या 100%, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई भी मशीन ऐसा नहीं होता जिसका कि 100% इफिशियंसी हो। दोस्तों तो इतना, वो एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। इन ए सर्टेन वेट लिफ्टेड
सॉरी सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन ए वेट ऑफ 1 किलो न्यूटन इज लिफ्टेड बाई एनी फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। तो क्या गिवन दिया ए फोर्स, तो 25 मतलब कि पी इज इक्वल टू दिया है मेरा 25 न्यूटन। वाइल द वेट मूव्स अप बाई 100 mm, जो कि वेट को मूव करा है, मतलब जो वेट को मूव करा है वो डिस्टेंस है, तो मतलब एक्स दिया है मेरा 100 mm। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स मूव्स बाई 8 मीटर, तो ए फोर्स द्वारा जो डिस्टेंस मूव होगा, मतलब वाई दिया है मेरा 8 मीटर। फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। वेट मेरा 1 किलो न्यूटन है, जैसे कि हमने पहले भी बोला था, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो जो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा मतलब 1 किलो न्यूटन मतलब 1000, तो डब्ल्यू होगा। फोर्स का स्मॉल वैल्यू 25 न्यूटन तो पी होगा फोर्स, और डिस्टेंस का जो मैक्सिमम वैल्यू 8 मीटर तो वो मेरा वाई होगा, और डिस्टेंस का जो 100 mm स्मॉल वैल्यू जो है वो एक्स होगा। तो इस तरह से गिवन डाटा दे दिए, तो निकालना मुझे मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बाई पी, तो 1000/25 ये रेशियो आया 40, तो एक आंसर ये हो गया। वेलोसिटी रेशियो निकालना है दोस्तों, तो वाई बाई एक्स, तो वाई का वैल्यू 8 है और एक्स का वैल्यू जो है एमएम को हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.1, तो ये रेशियो 80 आया, एक दूसरा आंसर ये होगा। और एफिशिएंसी बराबर अभी हमने पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऊपर से निकल के आया 40 और वेलोसिटी रेशियो बाय एससी सॉरी 80, तो ये रेशियो मेरा 0.5, डेट इज सॉरी 0.5, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये 50%। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आता है एक आइडियल मशीन। तो आइडियल मशीन हम किसको बोलेंगे, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज 100%, मतलब अगर किसी भी मशीन का एफिशिएंसी 100% हो जाता है, दैट इज आउटपुट इज इक्वल टू द इनपुट, जो पीछे भी नोट में हमने बोला था। तो द मशीन इज कॉल्ड एज ए परफेक्ट और एन आइडियल मशीन, मतलब कि डेट इनपुट और आउटपुट तब बड़ा हो जबकि नो फ्रिक्शन लॉस, मतलब कोई भी इसमें फ्रिक्शन लॉस ऐसा इम्पॉसिबल है, इन हाइपोथेटिकल है। तो इस जब ये आइडियल मशीन डिफाइन कर रहा हूँ, तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो आई इस पे हम कुछ और फॉर्मूला आता है जो आइडियल एफर्ट एंड आइडियल लोड के बारे में देखते हैं। तो फॉर आइडियल कंडीशन इफिशियंसी विल बी 100%, डैट इज ईटा इज इक्वल टू 1, डैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, और तो इस तरह से, और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हम जानते हैं डब्ल्यू बाई पी इक्वल टू वी आर, डैट इज आइडियल एफर्ट, तो पी आइडियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी आर। तो अब फॉर एन एक्चुअल इफिशेंसी फ्रिक्शन प्रजेंट, डैट इज लॉसेस होगा, मतलब एक्चुअल इफिशेंसी, तो मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू, तो मैकेनिकल एडवांटेज को कन्वर्ट करेंगे तो डब्ल्यू बाई पी इंटू 1 बाई वेलोसिटी रेशियो, तो यहाँ से जो एफर्ट निकल के आएगा वो मेरा पी एक्चुअल होगा। तो इसके लिए लिखेंगे डब्ल्यू बाई वी आर इंटू 1 बाई ईटा इज इक्वल टू, तो डब्ल्यू बाई वी आर को अभी हम ऊपर में देखे थे यहाँ पे पी आइडियल, तो पी आइडियल बाई ईटा। अब देखते हैं, तो जो ये एक्स्ट्रा लोड, तो पी एक्चुअल जो वैल्यू होगा ये आइडियल से ज़्यादा होगा, तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट जो आया वो क्या होगा, मतलब कि जो लॉस फ्रिक्शन के कारण इसमें लॉस होता है, तो पी फ्रिक्शन मतलब एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन जो होगा इज इक्वल टू, तो पी एक्चुअल माइनस पी आइडियल, मतलब हमेशा बड़ा माइनस छोटा करेंगे तभी तो लॉसेज निकलेगा मेरा। तो पी एक्चुअल का जो अभी हम फार्मूला था मेरा, तो इस तरह से ये एक फार्मूला मिलेगा हमको, इस दोनों का वैल्यू रख देंगे ऊपर, पी एक्चुअल का डब्ल्यू बाई वी आर इंटू 1 बाई ईटा और माइनस डब्ल्यू बाई वी आर, तो डब्ल्यू बाई वी आर कॉमन निकाल के इंटू हो जाएगा 1 बाई ईटा माइनस 1, ये मेरा नेट फार्मूला मिलेगा। तो सिमिलरली अब फिर गिवन लोड के लिए भी देख सकते हैं, तो इसमें डब्ल्यू आइडियल इज इक्वल टू पी इंटू वी आर हो जाएगा और डब्ल्यू एक्चुअल एक्चुअल इक्वल टू पी इंटू वी आर इंटू ईटा। तो इसमें देख रहे हैं डब्ल्यू एक्चुअल जो होगा, दरअसल ईटा जो होगा हमेशा लेस देन 1 वैल्यू होता है, तो किसी भी वैल्यू को अगर हम 1 से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते तो और छोटा कर देता है उसको, तो मतलब यहाँ पे आइडियल लोड जो होगा बड़ा होगा और एक्चुअल लोड छोटा होगा, तो इसमें मतलब लोड जो डिक्रीज किया मतलब तो वो फ्रिक्शन कर रहा था, डब्ल्यू फ्रिक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू आइडियल माइनस डब्ल्यू एक्चुअल। तो इस तरह से इसको जब ऊपर दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो एक फॉर्मूला मेरा मिलेगा पी इंटू वी आर सॉरी पी इंटू वी आर इंटू 1 माइनस ईटा। तो इस तरह से ये मेरा
फॉर्मूला मिलेगा। तो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आज हम लोग इतना तक देखते हैं, और फिर इसके आगे हम लोग रिवर्सिबल मशीन, नॉन रिवर्सिबल मशीन के बारे में अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।